नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। इन्वेस्टर्स का फेवरेट शेयर टाटा मोटर्स अब कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को रास नहीं आ रहा है, पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि शेयर का प्राइस टूट रहा है। ये चीज़ आपको एक ही चीज़ बताती है दोस्तों कि शेयर बाजार में ना सब कुछ प्राइस ही है। जो प्राइस कर रहा है वही सच है, वही हकीकत है, वही फाइनल डिसीजन बनाता है। आज बाजार वापस से रिकवर हो रहा है, 135 पॉइंट्स ऊपर है, तो काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स तो ये सोच रहे होंगे कि बन गया बॉटम, अब तो बस तेजी तेजी है, दोबारा से वैसी तेजी। बट आप ये मत देखो मार्केट अभी गिरा है, आप ये देखो कि मार्केट में शेयर्स कब से गिर रहे हैं। निफ्टी जब 24,000 के लाइफ हाई पे था ना, और उसके बाद 26,200 यानी ये 2200-2300 पॉइंट्स का जो लाइफ हाई लगा है कंटिन्यू बेसिस पे, इस पूरे के पूरे लाइफ हाई में इन्वेस्टर्स को पैसा गवाया है, इन्वेस्टर्स ने दुख हुआ है। और अभी ये जो ऊपर से 1500 पॉइंट शार्प टूटा है ना मार्केट, इसमें फियर डेवलप हो गया है, इतनी जल्दी पैसा नहीं आएगा मार्केट में। और ये जो तेजी है ना, ये ड्यू थी। ड्यू क्यों थी? ये ओवरसोल्ड मार्केट था, ओवरसोल्ड मार्केट में एक बाउंस बैक ड्यू था, और वो बाउंस बैक है दोस्तों। ये इस बाउंस बैक में आपकी पोर्टफोलियो वापस से हल्की रिबाउंड होगी, करीब 1.5% समथिंग हो जाएगी। एंड इस बाउंस बैक में बहुत सारे इन्वेस्टर्स फ्रेश आएंगे खरीदारी करने, और आई थिंक वो ट्रैप हो सकते हैं। देखो कुछ लेवल्स हैं मार्केट में, 25,143, 25,200, जिसके पार निकलने पे 100-125 पॉइंट्स की तेजी और बनेगी। और 25,000 और 25,143 तक तो ये प्योर एंड प्योर बाउंस बैक है, जो किसी भी क्षण गिर सकता है। मैं मार्केट को लेकर नेगेटिव साउंड नहीं कर रहा हूँ, मैं मार्केट को लेकर हकीकत आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैंने इसीलिए संडे को एक स्पेशल वीडियो बनाई थी दोस्तों कि बाउंस बैक और तेजी में डिफरेंस क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। अब मैं टॉपिक पे आता हूँ दोस्तों, अपने टाटा मोटर्स के। टाटा मोटर्स की बात करें तो आज स्टॉक ने 900 रुपए के नीचे का लेवल दिखाया है, और बड़े लंबे समय बाद टाटा मोटर्स में एक सीवियर करेक्शन देखने को मिली है। हालांकि मार्केट के साथ ये भी रिकवर हो गया है, अभी 914 रुपीज पे आके खड़ा हो गया है, करीब करीब 1.25% 1.5% अभी भी नीचे ही है स्टॉक। आप स्टॉक में वॉल्यूम्स देखिए दोस्तों, 1.1 करोड़ शेयर्स ऑलरेडी ट्रेड हो चुके हैं, और 11:07 का समय हो रहा है। एवरेज वॉल्यूम 1.3 करोड़ शेयर्स का है, यानी भारी भरकम वॉल्यूम्स ट्रेड हुए हैं। सबसे पहले तो मेरा व्यू इस स्टॉक पे बेहद पॉजिटिव है, और मैं ये भी जानता हूँ ये स्टॉक गिरेगा। फिर पॉजिटिव कैसे? क्योंकि गिरेगा ये मुझे इसलिए पता है क्योंकि डिमांड आउटलुक नेगेटिव है, नंबर्स खराब आ रहे हैं, और रिजल्ट्स भी खराब आने की उम्मीदें हैं। तो ये अगले 3-6 महीने तो दिक्कत दिख रही है, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं इस स्टॉक में तेजी है और लंबी ग्रोथ स्टोरी है। क्यों है वो बताता हूँ। ईवी मार्केट को कहीं ना कहीं इंडिया एक्सेप्ट कर रहा है फोर व्हीलर में, और उसमें टाटा मोटर्स बड़े लेवल पे लीड कर रहा है, मोर देन 80% का मार्केट शेयर कैप्चर कर रखा है इसने। पैसेंजर व्हीकल हो या इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, दोनों में टाटा मोटर्स को सफलता इस समय मिलते हुए दिख रही है। कमर्शियल व्हीकल में ऑलरेडी 1 प्लेयर है ही है। डीमर्जर को लेकर काम चल ही रहा है, तो वो वैल्यू अनलॉकिंग करने का काम करेगा लॉन्ग टर्म में। और कंपनी वैल्यूएशन टर्म में इतनी ज्यादा सस्ती है कि इसके अगर 2 क्वार्टर खराब भी नंबर आ गए ना, तो भी वैल्यूएशन महंगे नहीं होंगे। 10 के पीई पे उपलब्ध है, 3,70,000 करोड़ के मार्केट कैप पे है, और 4,00,000 करोड़ के करीब की सेल करती है कंपनी। तो मार्केट कैप टू सेल देखोगे तो कम ही है, तो मेरे को लगता है ज्यादा कुछ नहीं है खोने के लिए। चिंता जरूर लग रही होगी काफी इन्वेस्टर्स को, और लगनी भी चाहिए, बट इस स्टॉक में मेरे को लगता है स्कोप काफ़ी है। मैंने आपके साथ कहा था दोस्तों 920 पे पहला एक्यूमुलेशन करना है, आपने कर लिया बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो आप चाहो तो कर सकते हो। दूसरा करना है 880 टू 850 की रेंज में, और तीसरा करना है 800 के पास। इन तीन बारी में आपको पैसा टुकड़ों टुकड़ों में बांट के लगाना है, और टुकड़े करना चाहते हो चार करना चाहते हो चार भी कर सकते हो आप, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आपको एक चीज़ जो पूरी तरीके से समझनी है समझानी है, वो ये कि मैं कम से कम 1 साल से पहले पैसा बनाने के बारे में नहीं सोचूंगा। अभी तो नेगेटिव चीज़ें आ सकती हैं, और सारी नेगेटिव चीज़ें ना दोस्तों इसकी डिमांड से रिलेटेड ही होंगी। अब आज ये शेयर क्यों टूटा है, उसके पीछे 2 कारण है दोस्तों। पहला रीज़न तो ये है कि टाटा मोटर्स के GLR के नंबर भी काफ़ी ज़्यादा खराब आए हैं। थोड़े दिन पहले पैसेंजर व्हीकल के नंबर आए थे, वो भी खराब थे, और आज GLR के आए हैं, ये भी खराब है। मैं एक बार अपडेट दे देता हूँ। JLR रिटेल सेल्स इन Q2 FY25 1,03,108 यूनिट्स, डाउन 3% वर्सेज Q2 FY24। तो लास्ट ईयर के Q2 से अगर अभी देखें तो 3% की डिप आ गई है रिटेल सेल में। JLR होल सेल इन Q2 FY25 87,303 यूनिट्स, डाउन 10%। होल सेल यूनिट तो 10% घटते हुए दिखी है दोस्तों, साल दर साल बेसिस पे देखें तो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है। JLR प्रोडक्शन इन Q2 रिस्ट्रिक्टेड टू
लगभग 7% डाउन जो है वो JLR का प्रोडक्शन भी है देखने को मिला है आप सभी को। एज अ रिजल्ट ऑफ एल्यूमिनियम सप्लाई डिसरप्शन रिपोर्टेड इन Q1 FY25 JLR प्रोडक्शन एंड होलसेल वॉल्यूम्स आर एक्सपेक्टेड टू रिकवर स्ट्रॉन्गली इन सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर। तो ये बड़ा पॉजिटिव है कि सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर, ये कब से शुरू होता है दोस्तों? ये अक्टूबर मंथ से सेकेंड हाफ ही शुरू हो रहा है आपका, आप ये बोल सकते हो सेकेंड हाफ अक्टूबर, हाँ जी अक्टूबर से ही ऑलमोस्ट शुरू हो जाता है, क्योंकि आपका अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर ये हो गया फर्स्ट हाफ, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च ये हो गया सेकेंड हाफ। तो यहाँ से सुधार आने के चांसेस दिखते हैं। तो मेरे को लगता है ये लॉन्ग टर्म पर्पज़ से देखो, शॉर्ट टर्म वालों मत सोचो ज़्यादा और बैठे रहो। मैंने 1100 रुपये पे प्रॉफिट बुकिंग के लिए कहा था आपसे, तब आपने मेरे को हल्का नेगेटिव ट्रोल किया था, अदरवाइज टाटा मोटर्स पे आप लोग मेरे साथ ही खड़े रहे हो, क्योंकि मैंने 400 रुपये से वन साइडेड बाय कॉल शेयर कर रखी है कि खरीद के बैठे रहो। 1100 रुपये मैंने प्रॉफिट बुकिंग के लिए कहा, वो भी पूरा नहीं, केवल 30%, और वो 30% इसलिए कि गिरावट में मिलेगा तो हम यही पैसा उसे वहां लगा पाएंगे। अब वो 30% आप यहां लगा पाते तो कितना अच्छा रहता, जिसने बुक किया था वो काफ़ी ज़्यादा खुश है, और अभी कहीं ना कहीं उसे मौका मिल रहा है उसी पैसे को सही यूटिलाइज करने का। ओवरऑल मैं पॉजिटिव बना हुआ हूँ दोस्तों, वापस से मेरे 1150-1100 रुपये के इजीली टारगेट्स हैं जो अचीव होने चाहिए इस स्टॉक में लंबी अवधि में, और इस स्टॉक में बाय ऑन डिप करते रहिए आप। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी दोस्तों, होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।